हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। स्वदेशी आंदोलन में एक और नया अध्याय जोड़ते हुए आज बाबा रामदेव ने अपने पतंजलि ब्रांड का एक और नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। पतंजलि फ्लेवर्ड कॉन्डम के नाम से लॉन्च ये पतंजलि कॉन्डम प्रोडक्ट तुलसी, चंदन, पुदीना आदि स्वादों में उपलब्ध होगा। विश्वस्त सूत्रों से खबर मिली है, हमेशा की तरह इनसे लॉन्च करने से पहले सरकार पॉर्न और मैगी की तर्ज पर कॉन्डम पे बैन लगाएगी, जिससे बाजार में इसकी भारी कमी हो जाए और ये नए आयुर्वेदिक हर्बल कॉन्डम धड़ल्ले से बिक सके। तीखी मिर्ची से एक्सक्लूसिव बात करते हुए बाबा रामदेव ने बताया कि उन्हें कई भक्तों ने शिकायत की थी कि व्रत में उन्हें सेक्स से परहेज करना पड़ता था, क्योंकि अभी सारे उपलब्ध कॉन्डम चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, कॉफ़ी, मिंट इत्यादि विदेशी फ्लेवर्स में आते थे। बाबा का दावा है कि उनके फ्लेवर्ड कॉन्डम व्रत में भी पवित्रता एवं संस्कार बरकरार रखेंगे। हमारे पतंजलि सूत्र ने बताया है कि इस नए हर्बल प्रोडक्ट को स्लोगन हिंदी में रखा गया है, पुरानी आस्था हो गई बकवास, अब खुलकर करे सहवास। तीखी मिर्ची ने जब बाबा रामदेव से पूछा कि ग्राहक इन स्वादिष्ट कॉन्डम्स के स्वाद का आनंद किस प्रकार ले सकेंगे, तो बाबा शर्म से लाल हो गए और बगले झांकते हुए अपनी अनभिज्ञता जताई। तीखी मिर्ची के ग्राहकों को याद होगा कि बाबा का नया अफेयर अभी हाल ही में शुरू हुआ है, इसलिए मौके की नज़ाकत और प्राइवेसी के उच्च स्टैंडर्ड कायम करते हुए इस रिपोर्टर ने आगे और सवाल नहीं पूछा। पतंजलि आश्रम के एक भक्त ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि बाबा नीम और करेला फ्लेवर्ड कॉन्डम भी लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन आश्रम के क्लिनिकल और यूज़र ट्रायल में इन्हें अत्यधिक कड़वा और इस्तेमाल के लिए अनुपयुक्त पाया गया। माइंड द न्यूज़ रूम की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।